फाइनली मेहमान आना शुरू हो गए ने ते बहुत जल्दी दशहरा शुरू भी हो जाएगा। फाइनली मुशायरा स्टार्ट हो गया ते तब सब सुनारण पोएट्री के आओ बैठ के इंजॉय। आईने आंख में चुभते थे बिस्तर से बदन कतराता था, एक याद बसर करती थी मुझे मैं सांस नहीं ले पाता था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, की हाल चाल है, ठीक ठाक हो यार? मैं जा रहा हाफजाबाद, हाफजाबाद है गया मुशायरा, उत्थे बड़े बड़े शायर आ रहे हैं, तहजीब आफी, अली जरियून, अब्बास ताबिश साहब, होर भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, मेरे हाल है कोई 16-17 पॉइंट है ने वो आ रहे हैं नाले, तो मैं रिकॉर्डिंग करने वास्ते जा रहा, नाले मैं अपना बनावगा ब्लॉग। है गड्डी जाती हाफजाबाद, वड्डी गड्डी जाती कोई नहीं, कल मैं आके पहले पता कर गया सी, गड्डी बह गए तो हम अपना समर स्टार्ट होना थोड़ी तक गड्डी चल पेगी, उस तो बाद चलने हूँ मास्क पहन कर क्योंकि इतने एस एस पी सब कुछ तैयार नहीं हो रहा, इस वास्ते मास्क पहनना बहुत जरूरी है, तो मैं मास्क नाल लेके आया उसे। अच्छ फैम मेरे नाल है तो फैम गया बाइक खड़ी करने वास्ते, जिस तरह आता फिर उन्होंने बुला लेंगे एने फैम भाई, तो अजल दिन, अजल दिन गुजरेगा साढ़ा फैम भाई नाल, नाम डिस्कस हो रहा है, हो सकता है रस्ते जाते कोई चैनल का नाम डिस्कस कर लिए, नाम फाइनल हो जाए। तुम किस सजेस्ट करते जी? अच्छा कि मैं बोतल लेना से गया ना, दुकान पाते गए, मैं यार दुकान खुली तो अंदर मेरा नज़र आ रहे हैं, तो एक उसका होता है दुकान पाते तो कहते हैं भी नहीं क्लोजिंग है, ऐसी क्लोजिंग कर रहे हैं तो नहीं दे सकते, और उनकी असल वजह है कि किसी भी उन्हें कैमरा वे कि नहीं दी बोतल की पैसे मैंने ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, कितने ना वे फिर दौड़ हो जाए तो मैं कितने फंस जावा, हालांकि मतलब पता ना तुम नॉर्मली जरा ना बस स्टॉप से या यह जगह पर ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं चीज़ों के, उस चीज़ को डरते आए बंदे ने मैंने दिते नहीं मना करता, कहते नहीं मैं देना ही तुम, मैं फिर दोबारा सड़क क्रॉस करके उस सामने गया वा उतों बोतल लैके गया, पांच सवारियां तो फटाफट हो गई सी, दो सवारियां फस गई सी, अल्लाह का शुक्र है कि डेढ़ घंटे बाद गड्डी टूट पई है। हाफजाबाद असं पहुँच गए हैं, जो तकरीबन साढ़ा जहाँ फाइनल डेस्टिनेशन है ना वो थोड़ा जो दूर है तकरीबन हाफ किलोमीटर, उस तो पहले अं रुके हैं तो सोचे कि उन्होंने नाश्ता करके जाइए कि उतने जाके मसरूफ हो जाएंगे, फिर पता नहीं किस टाइम टाइम मिलेगा नाश्ता करने का, तो पहले करने नाश्ता उस तो बाद चलने फिर अगर जी सू सिर्फ इतने चने ही मिले ने तो यह पुआले कोफ्ता, नाश्ते तो बाद असं तुर पे पैदल क्योंकि गड्डी बह बह के लत्त जाम हो गई सी, सिर्फ 500 मीटर है हाफ किलोमीटर, तो उतनी निकल जाना मेरे हाले रक्षा कराना या कोई गड्डी कराना बेवकूफी वाली गल हैगी, पैदल चलने हैं पैसे बचाने हैं। फाइनल डेस्टिनेशन तकरीबन पहुँच गए हैं, यह अलहरम ग्रीन सिटी सोसाइटी बन रही है, उनके अंदर उन्होंने इंतजाम किया है, और सामने तुम जो ना कनोपी नज़र आ रही होगी, कनोपी काफ़ी वही सारी है, करीब जाके तुम दिखाने 10 बजे का टाइम सी, तो इतने 10:30 हो चुके हैं, अजे तक सैटिंग हो रही ने, कुर्सियां ला रहे हैं, उपर कपड़े चढ़ा रहे हैं, तो कोई आवाम नहीं आई, चंद एक लोग बैठे ने अभी सिर्फ इंतजामिया देख रहे हैं, अजे तक तो इतने कुछ भी नहीं है, बाकी इन फ्यूचर देखो की गल फुल तो नहीं आया, लेकिन काफ़ी हद तक लोग आ गए हैं तो रौनक लग गई। फाइनली मेहमान आना शुरू हो गए ने ते बहुत जल्दी दशहरा शुरू भी हो जाएगा। फाइनली दशहरा स्टार्ट हो गया ते तब सब नारायण पोएट्री के आओ बैठ के इंजॉय। आईने आंख में चुभते थे बिस्तर से बदन कतराता था, एक याद बसर करती थी मुझे मैं सांस नहीं ले पाता था। शायरा जनाब
11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 4 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 7:30 ਵਜੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 8 ਵਜ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖੋ 12 ਰਬੀ ਲਵਲ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਬਰਗਰ ਵਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਗਰ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਬਰਗਰ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਰਗਰ ਮੈਂ ਲੈਣੇ 3 ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ 4 ਦੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੀਚ 79 ਪੀਚ ਮਾਲਟ ਤੇ 3 ਬਰਗਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਡੇਢ ਡੇਢ ਬਰਗਰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਖਾਤੇ ਜਾਣੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਲਮ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।